हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई के गोट लवर। दोस्तों, आज हम हैं पुणे भिवरी में प्रिंस गोट फार्म पर और हमारे साथ है समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आजिम भाई। समीर भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर भाई, आपका वीडियो हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहा है जी, तो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। अभी भाई अपन अल्हम्दुलिल्लाह बकरेबाजी में 10 साल से काम कर रहे हैं जी, ठीक है। और हम आज और मैं पहले भी साथ में काम करते थे, अभी भी साथ में ही है, लेकिन मैंने मेरा एक अलग से सेटअप तैयार किया है जो हम साथ में ही मिलके काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात है, अभी यहाँ पे मैंने ये फार्म शुरू किया, ये अपना सेकंड ब्रांच है भाई जी। एक ब्रांच अपना कौसर बाग में, यहाँ पे मास्का गोट फार्म है बिल्कुल उसके पीछे जी, ठीक। यहाँ पे अपना इंशाल्लाह रहेगा ब्रीडिंग का सेटअप और नीचे रहेगा पलाई का सेटअप। पलाई का सेटअप जी। और यहाँ पर ब्रीडिंग करने वाले? यहाँ ब्रीडिंग तो करेंगे में काम करने वाले आप भाई? इसमें ऑल ब्रीड्स में हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे, पर ज़्यादातर कोटा और अंसा पे ध्यान देने वाले जी जी, क्योंकि अभी पुणे में माशाल्लाह कोटा और अंसा को डिमांड ज़्यादा चल रही है जी। तो इस वीडियो में आप दो कोटा दिखाने वाले जी जी, माशाल्लाह जो आपने हाथ में पकड़े काफ़ी नायाब है जी। तो शुरुआत करते हैं हम, जो आपने आपके हाथ में पकड़े उससे शुरुआत करते जी भाई। कुछ नाम रखा है क्या पहले आपने जी? अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने 8 दांत फ्रेश लगाया है इसने जी। 38-39 के बीच में हाइट है। ओके, ठीक है। और 95-98 इसका केजी वेट है जी। और ये बकरा भाई अभी खाली है, इनका दाना पत्ती अभी शाम में लगेगा जी, ठीक है। तो ये खाली वेट पे अपन ने इनको वेट किया था, तो 95-96 बताया था। 95-96 जी जी, माशाल्लाह ठोस बकरा है काफ़ी जी। ये सेल्फ फीडिंग पे, ये भराई पे बकरा नहीं है, आप देख सकते हैं क्वालिटी जी। इसका नाम रखा है कुछ जी? इसका नाम तो अभी फिलहाल में प्रिंस के नाम पे ही रखे हुए जी, क्योंकि इस साल ये फार्म का अपना बड़ा बकरा है, ये बड़ा बकरा। हाँ, लेकिन इसको बराई पे नहीं लिए हुए, सेल्फ फीडिंग पे ही है भाई। है भाई, सेल्फ फीडिंग पे माशाल्लाह काफी अच्छा तैयार हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने सुना हूँ कि जब हम भराई पे लेते तो बकरा खाने में थोड़ा सा परेशान करता है, इसके लिए ज्यादातर भराई करते जी जी, वरना अगर मुँह से खाकर इतनी नायाब चीज बनने वाली है जी तो भराई करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजीम भाई जी। मेरे भाई, तो जैसे कि आपने कहा ये 8 दांत किया है इसने, है ना? अभी फ्रेश 8 दांत। और इसका नाम आपने रखा है प्रिंस? प्रिंस रखा है। तो अगर कोई ये पल्टी के लिए लेगा तो कैसे रहेगा जी? पल्टी के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि भाई ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी क्लाइमेट की वजह से और जगह चेंज होने की वजह से थोड़ा वेट इसने रिवर्स में आया है। ओके। अगर ये रखते हैं पल्टी के लिए तो इंशाल्लाह इरादा ऐसा है कि 120 किलो से इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह ये 120 किलो तक जाना चाहिए सेल्फ फीडिंग पे। सेल्फ फीडिंग पे। और अभी ये हाइट वगैरह बढ़ेगा? ये हाइट तो शायद नहीं बढ़ेगी भाई, क्योंकि 38-39 ये जो हाइट है ये मतलब ठीक है बकरों के हिसाब से जी। बकरों के हिसाब में ठीक है जी जी, उतना तो कम से कम बकरा होना चाहिए जी। उसकी लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह जी, लेंथ में भी है, हाइट में भी है। तो फिर इससे हाईएस्ट हाइट तो फिर 40-42 जाती है ना भाई जी। तो ये इसको दाने में क्या खिलाते आप? दाने में तो भाई मक्का है, चना है, गेहूं है, और पत्ती में बड़ का पत्ता है, हरी पत्ती है जी। जो अपन मतलब डाइट ऐसा टाइम टू टाइम अलग अलग करके देते हैं उसको। ओके। तीन चार चौथा महीना ये स्टार्ट है अपने पास। ओके, ये 4 महीने से आपके पास है? ये रमजान के पहले आया है भाई। रमजान के पहले आया है। तो इसके कितने पैसे मांग रहे हैं आप भाई? इसके अपन कोट कर रहे 115,000 रुपये। 115,000 रुपये मांग रहे हैं आप जी। तो एक जैसे कि एक अच्छा कोटा होता है तो उसके इतना प्राइस होता है क्या जी भाई? इससे भी हाईएस्ट होते हैं जी ये, तो मतलब रिजनेबल प्राइस मांग रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा जी,
और हाईएस्ट में तो फिर अभी 15-16-20 लाख तक भी बकरे जा रहे हैं। लोग पैसे रिवील नहीं करते जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सुन के आपने आपके बकरे के पैसे बताए। जी 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 भाई, जज़ाकअल्लाह। अभी दूसरा बकरा दिखाते हैं जी, देखो भाई बिल्कुल जी। समीर भाई आपका दूसरा बकरा है जी, ये दूसरा बकरा है भाई, ये पलटी का बकरा है जी, दो दांत पे है ये, दो दांत पर ये फ्रेश दो दांत है, चाहिए तो दिखा सकते हाँ। ये दूसरा दांत भी अभी कर रहा है अजीम भाई, किया है इसने दो दांत कर लिया है जी, और माशाल्लाह दो दांत में काफी अच्छा बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दांत तो आपने दिखा दिए, इसका वेट कितना रहेगा? इसका वेट अजीम भाई 55-60 किलो के बीच में, 55-60 किलो के बीच में जी। ये अंदाजन बता रहेगा आप कि आपने वजन किया है? नहीं नहीं, ये तो अपन ने अदन बच्चा लिए थे भाई। नहीं नहीं, इसका वेट आपने किया है कि अंदाजन बता? नहीं नहीं, इसका वेट पहले मैंने किया हुआ है जी। ये अभी तो अपने पास काटा है, यहाँ पे खराब हो चुका है, जो पहले कौसरबाग में अपना सेटअप था वहाँ पे अपन ने किए थे, तब वो 55-56 किलो का था भाई। और माशाल्लाह आपको काफी अच्छा नॉलेज भी है, तो आप बकरा देख कर ही पहचान लेते होंगे कि इसका वजन कितना है। ऐसे तो 10 साल तो एकदम कंफर्म नहीं है अजीम भाई जी, थोड़ा 19-20 हो जाता भाई, 2-5 किलो का, 1-2 किलो का फर्क, 2-5 किलो का फर्क पकड़ के हो जाता है। तो इसका इसकी हाइट कितनी है? इसकी 36-37 के बीच में तो होनी चाहिए जी, 36-37 तो होगी इसकी जी जी। और कलर भी काफी अच्छा है जी, ब्लैक एंड व्हाइट में। और पालने वाली चीज है जी? पालने वाली चीज है भाई, गुलाबी बच्चा है, चेहरे का भी रुबाबदार है जी, सिक्के का भी शानदार है, फुल गुलाबी है जी, सिक्के सिर्फ काले आए हुए, और खुर और जो नाक है और कान है पूरे मार्बल पिंक आए हुए, सॉरी। तो इसका भी डाइट सेम ही है? हाँ सेम डाइट है, सेम डाइट है, मतलब हर बकरों को आप सेम ही डाइट देते हैं, बड़के पत्ते मक्का सिर्फ जो है, मतलब बकरे के वजन के हिसाब से उनको डाइट में कम ज्यादा दे रहे हैं, बाकी फीड सबका एक ही चला रहे हैं भाई। ओके समीर भाई, समीर भाई इसके कितने मांग रहे हैं आप? भाई इसके 48,000 मांग रहे हैं। 48,000 मांग रहे हैं, नेगोशिएबल है? हाँ थोड़ा स्लाइडली हो जाएगा भाई जी, और पहले बकरे का आपने जो कहा उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों बकरे अगर किसी को देखने हैं तो कहाँ पर आना होगा? तो ये अपने फार्म है भाई, अपना बीवरी के अंदर घिसारवाड़ी करके है जी, गिसारवाड़ी के अंदर भाई, ओवेज भाई का फार्म है, कोहिनूर गोट फार्म है, अजीज आपका बिल्कुल उसके अपोज में। ओके, वहाँ से गिसारवाड़ी लोकेशन है, अगर आप मुझे कॉल कर दोगे किसी को इंटरेस्टेड है तो मैं उनको लोकेशन सेंड कर दूंगा। और वैसे तो एड्रेस बहुत सिंपल है जी, ठीक है, तो आपका नंबर चाहिए जी 9545-33-66-88। ये व्हाट्सएप पर अवेलेबल है जी? ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अगर हमारा कोई व्यूअर को बकरे पसंद आते हैं तो दांत की वीडियो, वेट की वीडियो दे देंगे आप? इंशाल्लाह बिल्कुल पहुंच जाएगी, ठीक है, और लोकेशन की भी आप दे देंगे? मैं सेंड कर दूंगा जी, ठीक है, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में ये दो खूबसूरत कोटा देखा, अगर आपको ये लेना है तो ज़रूर समीर भाई को कॉन्टैक्ट करें, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।